कश्मीर में आतंकियों की फिर से कायराना करतूत, धोखे से सेना पर किया हमला, एक जवान घायल। तो वहीं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दिखे कई सारे संदिग्ध, सेना ने चलाया भारी सैन्य बलों के साथ सर्च ऑपरेशन। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, चलिए इन खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, नवंबर महीने में भारतीय सेना के द्वारा 14 से 15 की संख्या में सूरों को चुन चुन कर ठोका गया है और इसमें आतंकियों के कई सारे सरगना और कमांडर भी शामिल थे, जिनको सेना ने बिना टिकट के परलोक भेज दिया है और एक बार फिर से घाटी में शांति की स्थिति बहाल होने लगी है। परंतु आतंकियों को यह सेना की कार्रवाई राज नहीं आ रही है और एक बार फिर से सेना के खिलाफ काली करतूत को अंजाम दिया है। दरअसल दोस्तों, श्रीनगर की बात है और यहाँ पर डाउन नाम के इलाके में आतंकियों ने ट्रैफिक पुलिस को अपना निशाना बनाया है और ट्रैफिक पुलिस के जवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके पश्चात सेना को जैसे ही इस घटना की खबर मिली, भारी सैन्य बल यहां पर पहुंचा और पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। इसके साथ ही सेना इस इलाके में भीषण तौर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है और कई सारे लोगों से पूछताछ भी करी जा रही है। दोस्तों, यह एक बार फिर से सेना के खिलाफ काली करतूत को अंजाम दिया गया है और आतंकी फिर से एक बार सेना पर धोखे से हमला बोल रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के कई सारे अलग अलग रहीसी और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में कई सारे संदिग्ध देखे हैं और इसके पश्चात भारतीय सेना एक बार फिर से सुपर एक्शन मोड में आ चुकी है और आतंकियों को चुन चुन कर ठोकने के लिए 22,000 की संख्या में जवानों की एक सैन्य टुकड़ी पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पर तैनात कर दी गई है, जो कि उन आतंकियों के पीछे पड़ी है। और जैसे ही आतंकियों से सेना का आमना सामना होगा, हमारे भारतीय जवान उनको बिना परमिट के सीधा 72 हूरों के पास ट्रांसफर कर देंगे। दोस्तों, सुरक्षा एजेंसियों के हिसाब से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जिस प्रकार से सेना जम्मू कश्मीर में उग्र रूप अपना रही है और आतंकियों को चुन चुन कर ठोका जा रहा है, ऐसे में जम्मू कश्मीर में जितने भी आतंकी बचे हुए हैं वो अब सेना से बचने के लिए देश के गद्दारों के यहाँ पर छुपने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें जम्मू कश्मीर में कुछ गद्दार भी मिले हुए हैं जो कि सेना से उन आतंकवादियों को बचा रहे हैं। खैर, सेना का पंजा अब जल्द ही उन सूरों तक पहुंचने वाला है और देश के गद्दार भी अब सेना के हाथों नहीं बचने वाले। तो जल्द ही सेना आतंकी जितने भी बचे हैं जम्मू कश्मीर में उनका सफाया कर देगी। बाकी जम्मू कश्मीर की पल पल की खबर के लिए चैनल के साथ बने रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।